नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पहली खबर कानपुर से, जहां कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर में कूड़े में लगी आग से कई झोपड़ियां तबाह हो गई। जाजमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर स्थित एक ट्रेनरी की बाउंड्री से लगी हुई कुछ झोपड़ियों में आज आग लग गई। आग लगने का कारण पास ही में पड़े कूड़े को जलाना बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि किसी ने सूखे कूड़े में आग लगा दी थी, जो पास ही में रखे सूखे चमड़े ने पकड़ ली, जिससे आसपास स्थिति की झोपड़ियों में आग लग गई। फिलहाल किसी की भी प्रकार की जनहानि की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के वर्मा नगर नहर के पास ट्रैक्टर ने एक मासूम छात्र को रौंद दिया और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जो स्कूल जाने के लिए साइकिल से निकला था। हादसे में छात्र शुभ की मौत हो गई। बता दें कि मृतक मासूम विधवा मां का इकलौता बेटा था। शुभ के पिता की 4 साल पहले मौत हो चुकी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। कानपुर के सदर कोतवाली स्थित सिविल लाइन्स में मेरी मारिमा मिशनरी स्कूल के केयर टेकरों में कब्जे को लेकर विवाद हो गया। वहीं देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया, मौके पर भारी मात्रा में शहर कोतवाली पुलिस और अधिवक्ताओं का जमावड़ा लग गया। बाद में विवादित संपत्ति के केयर टेकर नीरू सिंह ने बताया कि सिविल लाइन स्थित मेरी मारिमा मिशनरी स्कूल है, जो कि अमेरिका से संचालित होता है। वहीं अब कुछ साल पहले स्कूल बंद कर दिया गया था और उसके रखरखाव के लिए नीरू सिंह को तैनात किया गया। वहीं कई बार जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कई लोग दावा कर आए, मगर मामला न्यायालय की शरण में चला गया, जहां न्यायालय ने जमीन को यथास्थिति बताने की बात कही है। उसने कहा कि बच्चू सिंह अपने कुछ साथियों और अधिवक्ताओं के साथ में आए और एक लेटर दिखाकर कब्जे की बात कही, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। वहीं बवाल की सूचना पर मौके पर शहर कोतवाली पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात हो गई। उसके बाद दोनों के टेकरों में आपसी सहमति को लेकर प्रेस वार्ता जारी हुई, जहां अमेरिका द्वारा संचालित स्कूल में किसका कब्जा रहेगा। दोनों पक्ष अपने अपने कागजों की फाइल लेकर अपना अधिपत्य स्थापित करने की कोशिश में लगे रहे। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में एक छात्र ने उसे गेस्ट हाउस में शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिकायत करने के बावजूद भी थाने में छात्रा के दुष्कर्म के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय थाने ने छात्रा को भगा दिया, जिसके बाद छात्रा ने मामले की शिकायत ज्वाइंट कमिश्नर से की। मामले का संज्ञान लेते हुए ज्वाइंट सीपी ने थाना अध्यक्ष को फटकार लगाई और मामले की जांच महिला थाना अध्यक्ष को सौंप दी। जैसे कि आरोप यह है कि उसको सही ढंग से सुनवाई नहीं हुई, जो एलिगेशन है उसको सही ढंग से एसीपी लेवल में जांच के लिए आदेश दिया, तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट वो भी सामने आ जाए। अगर यदि वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी होगी। जी जी, कैरियर आ चुकी है और इसलिए अगर करेंगे उनके इसी ऊपर हम अगले कार्रवाई जारी। महोबा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि खुले खेत में गांजा उगाने का काम चल रहा है। इस वीडियो में एक दबंग व्यक्ति को देखा गया। रामगोपाल सिंह नाम के किसान ने अपने आधा बीघा खेत में गांजा उगाया हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर दबंग और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला कबरई थाना क्षेत्र के पहरा गाँव का बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी ने अपने अमेठी आवास स्थल में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया है। उनके आवेदन को स्वीकृति मिल गई है। सांसद प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी को अपना परिवार मानती है और उसके साथ ही अपने आवास बनाने के बाद वो अब वहाँ अमेठी से मतदाता बन गई है। बता दें कि गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के मैदान मवई क्षेत्र में कुल 347 बूथ हैं और स्मृति ईरानी ने इन बूथों की मतदाता बनकर अपनी भूमिका निभाई है। कानपुर में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ने नेताजी को ऐसा जवाब दिया कि नेताजी को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। ये वीडियो की पुष्टि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया नहीं करता। सूत्रों की माने तो देवेंद्र सिंह भोले क्षेत्र में अपने पिता देवेंद्र सिंह भोले के लिए वोट मांगने के लिए गए थे। यहाँ पर एक बूढ़ी महिला ने उनको सही शब्दों में समझाया और कहा कि मोदी और योगी तो ठीक काम कर रहे हैं, मगर उनके जो चमचे हैं वो बिल्कुल ठीक नजर नहीं आते। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बुजुर्ग महिला ने एक सीधा वार भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले पर किया है। और देखने की बात यह होगी कि कानपुर अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता किसके ऊपर भरोसा करती है और अपने जिले का सांसद किसको बनाती है। झांसी के चिरगांव सरदार पटेल इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर रहकर अपनी सेवा दे रहे दो हरिपद सहायक कौशिका
भव्य विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र पर तिलक लगाकर माल्यार्पण किया गया, उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कौशिक को तिलक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं कौशिक जी ने कहा कि यहां से मैंने अपने 62 साल की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रहा हूं और मैं यहां विद्यालय के लिए, एक विद्यालय परिवार के लिए और चिड़गांव नगर के लिए बहुत कुछ दिल में रखे जा रहा हूं। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। फर्रुखाबाद जिले में पुलिस व्यवस्था की पोल खुल गई। बता दें कि जिले में 112 पुलिस सेवा बीमार हो गई। डायल 112 पीआरवी की गाड़ी 2672 की थाने के सामने धक्का परेड हुई। थाने के सामने पीआरवी 2672 में धक्का लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। झांसी में हाई टेंशन लाइन के जर्जर तार ने कहर बरपाया। तार टूटने से ट्रैक्टर की एजेंसी पर रखे 3 ट्रैक्टर्स में आग लग गई। आकर तांडव देख लोगों की रूह काम गई, जिसकी सूचना विद्युत दमकल और पुलिस को दी गई। तकरीबन 15 मिनट तक हाई टेंशन लाइन बंद नहीं हुई, जिससे तार टूटकर गिर गया और वहां रखे 3 ट्रैक्टर्स में आग लग गई। आग लगने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि घटना के बाद विद्युत विभाग पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के कोवाडांड गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों से गांव के सिवान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप दिखाते हुए गन्ने की फसल को चपेट में ले लिया। आग को बुझाने गए ट्रैक्टर भी धू धू कर जलने लगे। देखते ही देखते ट्रैक्टर आग का गोला बन गया। जो भी फसल या मकान का की क्षति हुई होगी उसका आकलन किया जाएगा और उसके अनुसार ये फसलें कंप्लीट क्यों नहीं कर सर। जैसे ट्रैक्टर जल गया है तो उसके लिए किसानों का ट्रैक्टर भी जला है। ट्रैक्टर के लिए हमारे स्तर से तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती, लेकिन उसका आकलन करा के संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजिए। कासगंज में नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली है और गृह कलेश के चलते बताया जा रहा है कि उसने खुदकुशी की। दरअसल बताया जा रहा है कि 20 साल के मृतका श्रुतु की 11 महीने पहले उम्मीद के साथ शादी हुई थी। मृतका के परिजनों के मुताबिक पति शराब का आदी था, प्रताड़ित करता था। ग्रामीणों के मुताबिक एक दो दिन मृतका श्रुति ने अपने पति ओमवीर के खिलाफ मारपीट की तहरीर कोतवाली में दी थी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतका के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। गंज दरबार कोतवाली क्षेत्र के मधेपुरा गांव का ये पूरा मामला है। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सीमांत तहसील भटवाड़ी पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भटवाड़ी में रोड शो निकाला और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ अपने 2 साल का कार्यकाल की उपलब्धि जनता के सामने रखी है और जनपद उत्तरकाशी में किए जा रहे विकास कार्य के बारे में बताया। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी माना राज लक्ष्मी शाह को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की है। बहुत लोगों में जोश है और सारे लोगों को ये लगता है कि 19 अप्रैल के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल जल्दी से जल्दी आए और हम लोग मोदी जी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर एक रिकॉर्ड कायम करें। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार के निर्देशन में एसओजी और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मिंगदेरा के पास दो वन्य जीव तस्करों को गुलदार की खाल समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने तत्काल बरामद खाल की पहचान के लिए वन विभाग के कर्मियों को मौके पर बुलाया। एसओजी और पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया और अपराधियों की आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी रहे करीब आधा दर्जन नेता भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस छोड़ पार्टी में आए नेताओं और संतों को टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करवाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद नजर आए। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की, मां के दर्शन किए। इसी के साथ तेज प्रताप यादव ने भोलेनाथ की पूजा भी की और मां गंगा में स्नान भी लिया, जिसके बाद हरिद्वार में भोले बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद तेज प्रताप बिहार रवाना हो गए। उन्होंने इस दौरान की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से हरिद्वार में पवित्र पावन गंगा जी के निर्मल जल से स्नान कर श्री कैलाशानंद महाराज जी के आश्रम चंडीघाट में रुद्राभिषेक और माँ काली का पूजन कर अपने प्रदेश बिहार और देश की प्रगति और सुख शांति समृद्धि की कामना की।
झांसी में पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य अग्निशमन अधिकारी राज के नेतृत्व अग्निशमन सड़क सुरक्षा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत बबीना विकासखंड के पंचायत भवन में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को आग से बचाव के कई उपाय बताए गए। साथ ही लापरवाही के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करने को लेकर जागरूक भी किया गया। आगरा में लोकसभा चुनाव के विसात बिछाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जन चौपाल से की। सीएम शमशाबाद स्थित एपी सिंह इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां सीकरी के भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जन चौपाल को संबोधित किया। सीएम ने इंडी गठबंधन को निशान पर लिया और कहा कि इंडी गठबंधन को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है। कहा कि इंडी गठबंधन में होने का दावा करने वाले लोगों ने गठबंधन पार्टियों के लिए ही सीटें नहीं छोड़ी, अलग चुनाव लड़ रही हैं। आज आप लोग बदलते भारत ही नहीं विकसित भारत को भी देख रहे हैं। जो पिछली सरकारों में संभव नहीं हो पाया वो पीएम मोदी ने 10 सालों में संभव करके दिखाया। पहले बड़े बड़े दावे होते थे लेकिन दुश्मन देश की घुसपैठी भारत में घुस पाते थे, आज घुसने में कांपते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक से बता दिया कि हम घुसपैठियों का क्या हाल करते हैं। पूर्वांचल का आतंक उग्रवाद कम हुआ है। मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, एम्स, मेट्रो, स्वास्थ्य सेवाओं जरूरत के हिसाब से उपलब्ध कराई जा रही है। अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी जी की गारंटी वही है जो 100% होने की गारंटी देता हो। मोदी जी की गारंटी यही है जहां पर 12 करोड़ गरीबों को, गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात मिल जाता है। ये मोदी गारंटी है। झांसी के प्रेमनगर थाना पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा जिसमें स्प्रिट से भरा एक प्लास्टिक का बैग बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के इसमें बताया कि एक मकान में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही है, वो स्प्रिट सप्लाई करने ले जा रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी को साथ लेकर बताया गया मकान पर छापा मारा तो पुलिस के होश उगड़े। नकली शराब की फैक्ट्री में पुलिस को शराब बनाने के उपकरण, मशीन, बोतल के रैपर, बारकोड, खाली बोतल, कई ब्रांड के ढक्कन बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नकली शराब बनाकर सरकारी शराब की दुकान पर कम रेट में सप्लाई करते हैं और उन सरकारी दुकानों से शराब की बिक्री आसानी से हो जाती है। पुलिस ने नकली शराब के गिरोह को पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। प्रेमनगर थाने की पुलिस तथा स्वाट टीम के द्वारा स्प्रिट से नकली शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया था। पूर्व में ही उसमें करीब 9 सदस्यों को जेल भेजा गया है, जिसमें स्प्रिट जो ला रहा था जीसान वांटेड था, उसको लगातार हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके दो साथियों साथ पकड़ करके इनको भी जेल भेजा गया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर देर रात ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस पहुंची तो रेलवे के अधिकारियों की नींद उड़ गई। जांच ट्रेन की छत पर एक युवक के लेटे होने की सूचना मिलते रेलवे का पूरा अमला प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया और ट्रेन के ऊपर से 25,000 वोल्ट की लाइन जाती है। युवक खड़ा हो जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आनंद फानन में OHI लाइन बंद कर युवक को नीचे उतारा गया। बीती रात ये सूचना मिली कि हम सफर एक्सप्रेस जो दिल्ली से आके कानपुर सेंट्रल पर रुकती है उसकी छत पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। इस सूचना पर RPF GRP तत्काल मौके पर पहुंची और OHE लाइन को बंद करवा कर उसे नीचे उतरवाया गया। उसका यह कृत्य रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत आता है। उसे उसके जुर्म से अवगत कराकर हिरासत में लिया गया और RPF पर इस संबंध में अपराध संख्या 499/24 धारा 156 पंजीकृत है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।